हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी बाय नीर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम ऑफ सीजीपीएससी, पटवारी एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। आज सुबह जब मैंने बोला था कि आज पटवारी एग्जाम की स्ट्रैटेजी डालेंगे, तो किसी ने मुझे पूछा कि सर आप किस लाइन पे आ गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी के पहले मैं सीजी व्यापम के एग्जाम्स क्रैक कर रहा था, लगातार मुझे अच्छी खासी सफलता मिल रही थी उसमें। अभी तक मैंने, जब तक कोविड नहीं आया, लगभग 2019-20 से जो व्यापम के एग्ज़ाम्स वो आने बहुत कम हो गए थे। 2018-19 के सीज़न में जितने व्यापम एग्ज़ाम आए थे मेरे, जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा था तब तक 3 एग्ज़ाम आए थे, FNDM डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट, PRIA पत्रकारिता, और एक KADI खादी एवं ग्राम उद्योग का एक एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि मोर और लेस काम करी है हर बार। FNDA डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट में मेरी सेकंड रैंक आई थी। PRIA पत्रकारिता वाले एग्ज़ाम में विद इन 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, मैंने जनवरी 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और इसका एग्जामिनेशन जो हुआ था दिसंबर 2018 में हुआ था। तो यहाँ पे आई स्कोर्ड 5th रैंक। और खादी एवं ग्राम उद्योग ये हुआ था मेरे ख्याल से 2019 अप्रैल के आसपास हुआ था इसका एग्ज़ाम, 27 अप्रैल या 17 अप्रैल के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे आई हैव स्कोर 13th। तो कुल मिला के व्यापम के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ये मोर और लेस ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वर्जन होता है CGPSC मेंस का। इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, लैंग्वेज भी मिलेगा, CGGS भी मिलेगा, INDIA GS भी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। तो CGPSC का जो प्रिलिम्स होता है उसमें मोस्टली आपको सिर्फ GS पेपर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पेपर्स मिलते हैं मैथ्स, लैंग्वेज, GS, करंट अफेयर जो स्पेसिफिकली पूछता है, ये कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से स्ट्रांग था मेंस। तो इसी कारण मैं बहुत इजीली व्यापम में माइग्रेट कर पाता था, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता रहता हूँ आपको कि CGPSC मेंस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। उस पर डिटेल पर कभी और बात करेंगे। आज हमारा ये है कि क्या व्यापम में हम बिना CGGS INDIA DS के स्कोर कर सकते हैं क्या अच्छे, इस पर हम लोग बात करेंगे। और मेरा इसका सिंपल सॉर्टेड जवाब है हाँ। व्यापम के एग्ज़ाम में अगर आपका CGGS कमज़ोर है, INDIA GS कमज़ोर है और क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक आ गया, तो ऐसे कुछ कुछ सेक्शन है जिसमें आप टारगेट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्रकारिता वाला जो एग्ज़ाम है उसमें मेरी 5th रैंक आई है, ठीक है। तो ये मैंने विद इन 1 ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन दिया था। तो ऐसा है कि अगर मैंने थोड़ी बहुत बेसिक प्रिपरेशन है फिर भी सिंगल डिजिट रैंक लग जाती है। जो FNDM डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट में जो मेरी सेकंड रैंक आई थी, इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2019 जनवरी में हुआ था एंड में, और प्रिलिम्स जो हुआ था फरवरी 2019, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, टाइमलाइन। जनवरी 2019 में मैंने FNDM का एग्ज़ाम दिया और मेरी सेकंड रैंक लगी, और उसी के एक महीने बाद मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है डायरेक्ट CGPSC के प्रीलिम्स में और व्यापम के एग्जामिनेशन में, क्योंकि व्यापम में जब मैथ्स इंक्लूड होता है, लैंग्वेज इंक्लूड होता है, कंप्यूटर इंक्लूड होता है, करंट अफेयर इंक्लूड होता है, तो ये डिफरेंट स्टोरी रहता है, ठीक है। वहाँ की स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपको ये जानना है कि जस्ट बिकॉज आपका CGPSC का प्रीलिम्स नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट स्कोर सिंगल डिजिट रैंक इन योर व्यापम एग्जाम। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस पर बात करते हैं। एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है, अगर आपको वन डे एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएंगे आप उसके सिलेबस से। पटवारी का जो सिलेबस है, मैंने सुबह मांगा था किसी से टेलीग्राम ग्रुप में, एंड थैंक्स टू देम उन्होंने मुझे सेंड किया तुरंत। तो पटवारी का जो सिलेबस है जो मेरे पास है वो ये है। इसमें आपको क्या करना है कि अभी ऊपर से देखना है कितने मार्क्स इसको अलॉटेड है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर का जो मार्क्स है वो 20 नंबर अलॉटेड है, हिंदी व्याकरण का 10 नंबर है, इंग्लिश का 10 नंबर है, गणित के 30 नंबर है, लेकिन यहीं पे नहीं रुकता है गणित, ये जो CSET वाला पार्ट है इसको अलग से दे दिया है। तो 30+15 45 नंबर का है आपका मैथ्स, सामान्य ज्ञान 35 नंबर का है, करंट अफेयर अलग से 15 नंबर का पूछेगा, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी ये भी 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि जो मैथ्स है उसमें 45 मार्क अलॉट किया गया है, कंप्यूटर को 20 नंबर अलॉट किया गया है, लैंग्वेज को 20 नंबर अलॉट किया गया है, करंट अफेयर को 15 नंबर अलॉट किया गया है। मतलब CGGS की जो हरिराम पटेल जो आप पढ़ते हैं, जो कि लगभग 500 पन्ने की मोटी सी किताब है, ये आपको करंट अफेयर की जो पतले पतले आपने प्रिलिम्स में पढ़े होंगे पर्टिकुलर
जो भी पॉपुलर कोचिंग मटेरियल की मैगजीन आती है उसके जितने मार्क्स अलॉट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत में है। तो मैंने ये जो ब्लू पोर्शन है यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा लेकिन मार्क्स बहुत उठेंगे, ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा लेकिन मार्क्स कम उठेंगे। तो इसको देख के आपको क्या पता चलता है, किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी उसके सिलेबस पर डिपेंड करती है। सिलेबस में हमने देख लिया कि मैथ्स में 45 नंबर है, कंप्यूटर में 20 नंबर है, लैंग्वेज में 20 नंबर है, करंट अफेयर में 15 नंबर है, इंडिया जीएस में 35 नंबर है, लेकिन इसके अंदर उतने सब्जेक्ट ही हैं, इंडियन हिस्ट्री है, जैसे पिछले देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें, इंडियन देखिए पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें भी विश्व का भूगोल है, हम लोग बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी हमारे सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में, इसमें विश्व का भूगोल है तो आपको और सिलेबस बढ़ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे आपको अचीव करना चाहिए अपने टारगेट, कैसे अपने चांसेस आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैथ्स में दिख रहा है कि 45 नंबर है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा है कि हमेशा पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछता है, करंट में आपका मैं अभी से बता दे रहा हूँ यहाँ पे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो भी आपने मैगजीन लगाए थे 2-3 जो फर्रे पढ़े होंगे उनको फिर से पढ़ना है। सीजीजीएस में सर्वाइव कर लेंगे, क्वेश्चन अगर ईजी आ गया तो आप बिना पढ़े बना लोगे, और अगर कठिन आया तो किसी से नहीं बनेगा पढ़ के भी। इंडिया जीएस में आपको क्या करना है कि इंडिया जीएस में आपको जितना बनता है बन जाए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिएगा या फिर उसमें तुक्का लगाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। इसके पहले हम लोग बात करते हैं इन इन पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे डील करना है, कहाँ से पढ़ना है, 1-2 दिन में आप किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं जिसके आपके चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो अभी तक आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया है, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर संबंधी जो विज्ञान है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे हरिराम पटेल की कंपाइलेशन आती है, बाकी कोचिंग्स की कंपाइलेशन आती है, उसमें व्यापम और सीजीपीएससी वन डे के जो कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनका ईयर वाइज एक कंपाइलेशन होगा। आपको कुछ नहीं करना, आने वाले 2 दिन में आपको ये करना है कि उनको बस ऊपर से एक बार पलटा लेना है कि हाँ भैया सीपीयू में ये यूनिट होते हैं, आउटपुट डिवाइस ये है, ये वाला जो प्रिंटर होता है सबसे ज़्यादा पेजेस प्रिंट करता है 1 मिनट के अंदर, ये वाला जो प्रिंटर होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये लेज़र प्रिंटर के बारे में देख लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है आने वाले 2-3 दिन में, सिर्फ आपको क्वेश्चंस पलटने हैं। देखते जाइए कि व्यापम में, सीजीपीएससी में, वन डे एग्जाम में कंप्यूटर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप पलटते जाइए, आपको मिल जाएगा इसकी बुक। ये हो गई कंप्यूटर की बात है। कंप्यूटर में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो बहुत इजी हो जाता है, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप वहाँ पे बना सकते हैं, तो ये स्कोरिंग पोर्शन है। उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण में क्या करना है कि इनकी ना थ्योरी पढ़ने नहीं जानी है, हर चैप्टर में लूसेंट के पीछे कुछ 20 से लेके 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं हर टॉपिक के, आप उसको सॉल्व करो। जैसे वर्तनी है, ठीक है, तो वर्तनी में बहुत जो कॉमन आता है उज्ज्वल पूछता है, ठीक है, ज्योत्सना पूछता है, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स है ना जिनका बार बार पूछा जाता है चीज़ें, तो उसको आप रट लीजिए। इसमें भी आप कुछ मत करिए, लूसेंट या तो आप उस दुकान में चले जाइए और फोटो खींच लीजिए, या फिर आपके किसी दोस्त के पास होगा तो वहाँ के क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसमें ब्रैकेट में दिया होगा UPSC 1988 इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये आपको पढ़ लेना है। वंस अगेन ऊपर का पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिए, हिंदी व्याकरण के पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिए, जो भी टॉपिक है ना उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। इंग्लिश में भी वही कर रहा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए जो भी सीजीपीएससी में आए हुए हैं। गणित में सबसे जो बेहतरीन फंडा है जो मेरे हिसाब से था मेरे लिए, वो ये था कि मैंने 2012 से लेके 20 तक जितने भी सीसेट के क्वेश्चन हैं इनको लगा लो, क्योंकि मोर और लेस ना सीसेट के क्वेश्चन ही आने वाले हैं इसमें। सीजीपीएससी जैसे एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है दक्षिणमुखी बिल्ली, मतलब उसमें ऐसा बोलते हैं कि एक बिल्ली है वो नॉर्थ जाती है फिर राइट ले लेती है फिर लेफ्ट ले लेती है उसके बाद फिर लेफ्ट लेके वो फिर से लेफ्ट ले लेती है, बताओ ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो यूजुअली इसका आंसर साउथ आता है। सिमिलरली कभी वो चूहा हो जाएगा, कभी वो डॉग हो जाएगा, तो इस प्रकार की चीज़ें चलते रहती है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना है कि वो कितना मीटर आगे आया अपने ओरिजिनल पोजिशन से, आपको ये देखना है लास्ट लाइन पढ़ने चालू करके इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये कौन सी दिशा में मुख कर रहा है, तो इससे आपको समझ में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी समझ में आने लगती है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछते तो आप स्मार्ट हो जाते हैं। तो गणित में आपको कुछ नहीं करना है 2012 से लेके 18 पीएससी तक,
जितने भी सी सेट के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। सिमिलरली ये जो सी सेट का ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये भी वहीं से कर लीजिए, अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडिया वाला पोर्शन है ना, इसमें ज़्यादा फड़फड़ाइएगा मत, क्योंकि बहुत वास्ट है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने प्रीलिम्स में जो भी तैयारी करी थी, जो भी फर्र रटे थे उन्हीं को रट लीजिए, वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जाने दीजिए। ये जो करंट अफेयर है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यहीं से नंबर उठेगा। इन करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी मैगजीन्स थे आपके पास जिनको आपने फरवरी के टाइम में पढ़ा था अपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और 70-80% एक्सपेक्टेड आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं मैगजीन्स को रट लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जाने देना। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी वही है, यहाँ से क्वेश्चन बनने होंगे तो बनेंगे बिना पढ़े, और अगर नहीं बनने होंगे तो पढ़ के रिसर्च करके पीएचडी करके भी नहीं बनेंगे। अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी क्या हमको नज़र में आ रही है कि मैथ्स में हमको नंबर उठाना है, इसमें कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, मैथ्स में हमको नंबर उठाना ही उठाना है। कंप्यूटर में जितना हो सके बनाना है। लैंग्वेज में अगर आपको लग रहा है कि आपका कन्फर्म है या फिर चांस ले सकते हैं तो लीजिए। करेंट का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मैगजीन अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंडिया जीएस में सर्वाइव कर जाओ, जितने बनते हैं ठीक है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसको सॉल्व कर लो। सीजीजीएस में क्या है कि सीजीजीएस में अगर बनने होंगे तो बनेंगे, नहीं बनने होंगे तो पीएचडी रिसर्च करके भी नहीं बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे स्कोर किया व्यापम में हर बार, और टॉप 15 सिंगल ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट रैंक हर बार मेरी कैसे आती थी। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपको समझना है कि व्यापम के रूल्स क्या है। हम लोग रूल्स को यूज़ करके थोड़ा सा अपने प्रोबेबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे। सीजीपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं इसका जो नेगेटिव होता है 1/3 होता है, व्यापम के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसका नेगेटिव होता है 1/4। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं, इसमें से एक भी सही हो जाता है, ठीक है, एक भी सही हो जाता है और आपके 3 गलत हो जाते हैं, तो जो सही है इसके लिए आपको मिलेंगे 1 नंबर और जो गलत है उसके लिए आपके 0.75 नंबर कटेंगे। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ, +25 का। तो आप बिना तुक्का लगाए मान लीजिए आपके 100 आ रहे थे और तुक्का लगा के आपके 100.25 आ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि व्यापम में अगर आपको गट फीलिंग आती है कि मुझे ये पर्टिकुलर आंसर सही लग रहा है, जैसे मान लो आपको बहुत जगह आएगी, आपको आएगी कंप्यूटर में ये वाली गट फीलिंग, आपको आएगी इंग्लिश में, आपको आएगी हिंदी में, आपको हो सकता है कि जीएस के कुछ पोर्शन में आए, हो सकता है आपको करंट अफेयर में फीलिंग आए, अगर आपको फीलिंग आ रही है टिक करके आओ। ये जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपका बहुत ज़्यादा गलत होना पड़ेगा आपको नेगेटिव में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 20 क्वेश्चन तुक्के मारे और आपका तुक्का कतई ख़राब है, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मान लेते हैं इसमें आपके 8 सही हुए हैं और 12 गलत हो गए, तो इसके हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, सही के मिलेंगे आपको 8 नंबर और 12 के कितने कट जाएंगे, 1/4 ऑफ 12 3 नंबर, तो कुल मिला के कितना हो गया, +8 यहाँ से -3 यहाँ से, कुल मिला के आपने खेला है +5 और +5 ये डिफरेंस आ जाता है 100 नंबर में और 105 नंबर पे। आप सिलेक्शन ना लेते हुए यहाँ पे हो सकता है टॉप कर जाओ। तो इसका जो ये ट्रिक है ना, ये जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसका फ़ायदा उठाना है हमको। और अगर आपको गट फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से लग रहा है शायद ये पढ़ा हुआ है कहीं कहीं, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट करके आओ तो क्या पता तुक्का चल जाए, 1/4 के कारण बहुत कुछ प्लस हो जाए, तो यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा उठाना है। लास्ट में आपको समराइज कर देता हूँ कि आपका ट्रिक्स क्या है कि स्कोर इन मैथ्स में अगर वो 35 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 32 से लेके 33 बनेंगे, जो 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो सीरीज वाले होंगे, 1, 3, 5, 5025, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते यूजुअली, कभी कभी बन जाते हैं, एक टेबल वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 42 है, यहाँ 65 है, यहाँ पे कुछ और नंबर होंगे, तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल है। मैथ्स आपको एक्यूरेट रखना है। मैथ्स में क्या होगा कि अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप 95% कॉम्पिटिशन बीट कर लेंगे। अगर 35 क्वेश्चन में से अगर आपके 32 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। करंट अफेयर में नहीं चूकना है, आपके जो भी मैगजीन से जो आपने फरवरी में पढ़ के रखें उनको फिर से पढ़ के जाएंगे। लैंग्वेज में अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर गट फीलिंग आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लो सिनोनिम,
ठीक है, सुनॉनिंग मतलब पर्यायवाची शब्द इंग्लिश के, तो आपको लगता है कि यार आपने एलिमिनेट कर लिया कि यार ए तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता, बी और सी में हमें को तुक्का मारना है, तो तुक्का मार के आओ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अगर सही हो गया ना तो आपके पास पावर आ जाती है 4 क्वेश्चन और गलत करने की। ये 3 वाले में उतना प्रॉबेबल नहीं होता, लेकिन 4 वाले में ना आप नेगेटिव मार्किंग सह सकते हो, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। इसलिए अगर आपको गट फीलिंग आ रही है लैंग्वेज में तो आप डेफिनेटली उसको चांसेस लीजिए अपने, ठीक है। सी जी जी एस की इजी क्वेश्चंस पे एरर नहीं करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, इंडिया जी एस में सर्वाइव करवा कर जाइए। और ये जो पोर्शन है पर्टिकुलर मैथ्स के, स्पेशली लैंग्वेज और कंप्यूटर के, इनके जो पास्ट ईयर सी जी पी एस सी और वैपम क्वेश्चन है इसको डेफिनेटली देख के जाइए। ये सिंपल ट्रिक मैंने हर बार अप्लाई करी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है, एंड उसका रिजल्ट ये आया है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डिजिट रैंक है, मैं कभी भी टॉप 15 के पीछे नहीं गया हूँ मैंने जितने एग्जाम मैंने अटेम्प्ट करे हैं। तो ये सिंपल ट्रिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स में अच्छे से स्कोर करना है, करंट अफेयर इजी पोर्शन इसको कर लीजिए, लैंग्वेज में चांसेस लीजिए, सी जी जी एस के इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इंडिया जी एस अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अभी 1-2 दिन अगर हो सके तो कंप्यूटर और लैंग्वेज के जो लूसेंट के कंपाइलेशन या फिर जो भी लोकल कोचिंग के कंपाइलेशन है ना वो अच्छे से देख लीजिए, और बार बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अच्छे से रट लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का फुल ऑन एडवांटेज लेने की कोशिश करिए, मेरी हमेशा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। पेपर आएगा, बताइएगा कैसा गया है, और ये ट्रिक आपको कब काम आई या नहीं आई ये तो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। मेरी तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, इजाज़त लेंगे आपसे, जय हिंद।